हाउ टू इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क, यही आज हमारा टॉपिक है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको हेल्दी एंड वेल्दी रखे, आमीन। जी जनाब, तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, तो वो है माँ के दूध को कैसे बढ़ाया जाए। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे माँ के दूध की मकदार ज़्यादा होगी। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप खुद अपने अंदर एक चेंज फील करेंगे और आपके बच्चे का वेट भी बढ़ जाएगा। जी सबसे पहले बात करते हैं वाटर इनटेक की। जी हाँ, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉर्मली भी और जो मदर्स फीड करवाती हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा वो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगी, पानी पियेंगी, इतना ज़्यादा उनके लिए बच्चे को दूध मिलेगा। दूसरी चीज़ आ जाती है बादाम। बादाम वैसे भी हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। 6 से 7 आप लोगों ने बादाम ले लेने हैं और उनको पानी में भिगो देना है सारी रात के लिए। उसके बाद सुबह इसकी स्किन उतार लेनी है, पील ऑफ कर लेना है, उसके बाद आप इनको खा लोगे, आप खुद देखोगे कि आपकी दूध की मकदार ज़्यादा होगी। नंबर 3 पे आ जाते हैं ओट्स, यानी कि जई। जई को आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, दूध में मिला के, पानी में मिला के इसको पका लें और फिर उसके बाद उसमें शुगर या गुड़ जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कर लें और आप इसको खा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है गार्लिक। गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन को आप एटलीस्ट 10 जो ले लें या 7-8 जो भी ले लें तो वो काफ़ी हैं। उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लेना है आपने। वॉश करने के बाद आप इसको एक तवे पे या फ्राई पैन पे इसको फ्राई कर लोगे। आप इस तरह से इनको ड्राई रोस्ट करना है आपने इनको, और जब आप इनको रोस्ट कर लोगे तो वो इस तरह की ब्लैक ब्लैक सी शेप में आ जाएंगे। उस तरह से इनका छिलका भी आराम से उतर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर इसमें आपने नमक और काला नमक ले लें या दूसरा नमक ले लें और काली मिर्च छिड़क कर इसको खाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि माँ के दूध की मकदार ज़्यादा ज़रूर होगी और आपके बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी, उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और उसको एक अच्छी खुराक मिलेगी और माँ को भी कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। जी हाँ, तो ये थी सारी टिप्स, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।